हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही चैनल HTE हेल्प टू अर्न में। दोस्तों, हम यहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी और आगे मार्केट क्या कर सकती है उसका एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि कल के लेवल क्या रहेंगे और कहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो ट्रेंड लाइन जो मैंने बना के रखी है चैनल में, उसी चैनल में ट्रेड हो रहा है और वो चैनल जो है अभी भी वैलिड है और वो काम कर रहा है एज इट इज़। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि जैसा कि मैंने अभी उसमें चेक किया है ऑप्शन चेन में, तो ऑप्शन चेन में क्या बता रहा है कि 17,800 एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये अभी लग रहा है, अगर 17,500 पे मैक्सिमम सपोर्ट है, अगर 17,500 ब्रेक हो जाता है, बाई दी वे वैसे इतना इजी नहीं है, लेकिन अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर आगे के लेवल बहुत हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर चाहें ट्रेड कर रहे हैं, ये करेक्टिव फेज़ है अभी, है ना, अभी ये कोई इम्पल्सिव फेज़ नहीं है, तो करेक्टिव फेज़ है। इस चैनल का ब्रेकआउट जैसे ही करेगी मार्केट तो मार्केट अप ट्रेंड में जा सकती है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन तो मार्क कर ही लीजिएगा अपने पास, और इसका हाई जो है मैं बता देता हूँ 18,000 के ऊपर, 18,000 के ऊपर मार्केट निकलती है, ये चीज़ें बन सकती हैं 17, और इसका हाई ब्रेक होगा 17,962 और 18,000 के आसपास बनता है। तो लेवल निकल जाना और मार्केट में ट्रेड कर पाना दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं, सीखने की ज़रूरत है आपको। पूरी ज़्यादा टाइम चार्ट पे देखना है कि आप चार्ट कैसा चल रहा है, क्या है, और उसके बाद जो है मैक्सिमम आपको ये सोचना है कि जब आपका रिस्क और रिवार्ड मैच करे तभी आपको ट्रेड करना, तब आपका प्रॉफिट बनेगा, वरना आप ट्रेड करने की जो एक नशा है ना, वो नशा जो है लोगों को लॉस में ही भेजेगा, लॉस ही मिलेगा। तो अगर आपने एक मिनट में फिर छोटे चार्ट पे आ जाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका 50 मिनट का चार्ट है, और अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा जो ब्रेकआउट के टाइम मिला था, कि अगर यहाँ पे देखिए तो इसका अगर जैसे ही इसका हाई ब्रेक किया 17,724 के आसपास था, तो मार्केट जो है निफ्टी 17,864 के आसपास निकल गई, तो ये ट्रेड आपका बना होगा बाय द वे। और जैसे ही लो ब्रेक होने लगा आप निकल भी सकते हैं उसमें, तो ये पहचानना होता है। देखिए, जैसे लो ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे निकलना है, यहाँ आपको रिस्क समझना है, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन सेलर नहीं। तो ऑप्शन बायर के लिए ये चीज़ें क्लियर है कि जैसे ही रिस्क लगे उसको निकलना है, प्रॉफिट का देखना तो है लेकिन जैसे ही रिस्क लगे उसको निकलना है, पछतावा कभी नहीं करना है कि हमें मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर और चली जाती तो उसको पछतावा नहीं करना है कि मेरा जो है मैं अगर और रुकता तो मुझे और प्रॉफिट हो जाता। तो वो सोच जो है वही साइकोलॉजी है, यही सोच जो है आपके अंदर साइकोलॉजी पैदा करेगी कि मार्केट में और रुकें आप, और जितना आप रुकेंगे, जितनी देर रुकेंगे उतना ही लॉस के उसमें रहेंगे ऑप्शन बायर। अगर मार्केट में ज़्यादा रुकेगा तो ऑप्शन बायर का मतलब मार्केट में थोड़ी देर ही रुकना है, ज़्यादा देर रुकना ही नहीं है, और एक या दो प्रॉफिटेबल ट्रेड करने के बाद फिर मार्केट आपकी नहीं है, कहीं भी मार्केट जाए लेकिन आपकी नहीं है। फिर आप साइकोलॉजी जो है आपकी वर्क करेगी, आपका माइंड जो है वो गलत तरह से काम करेगा। तो फिर हाँ, जो मैंने ये तो क्लियर ही कर दिया आपको। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो हम क्या कर सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ। 17 अगर ये लेवल जो है, तो लेवल मार्केट 17,770, ये लेवल मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो हम 17,800 और 17,900 मान लिए, 17,859 के आसपास जा सकते हैं। और अगर ये लेवल ब्रेक हुआ 17,652 तो फिर ये मान चलिए कि हम सीधा इस लेवल पे आएंगे 17,588 और 500 भी जा सकते हैं, 525-520 के आसपास हम चेक करने जा सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी आने वाली है तो ये चीज़ें रहेंगी। और कल मार्केट में वॉलिटिलिटी बहुत रहेगी, जिस हिसाब से मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ पे, या तो बिल्कुल भी वॉलिटिलिटी नहीं रहेगी या वॉलिटिलिटी बहुत रहेगी। तो इस हिसाब से आप ट्रेड करिएगा। ये निफ्टी में सेटअप हो गया, सेटअप क्या हो गया, तो दोस्तों बैंक निफ्टी में मैंने आपको पहले भी क्लियर करा था। देखिए, ज़्यादा एनालिसिस है नहीं इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं अपलोड करता हूँ, और कल भी कोई एनालिसिस ऐसी कोई थी नहीं कोई खास, उसी चैनल में ट्रेड हो रहा था और लाइव मार्केट में ही सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, तो इसीलिए मैंने वीडियो कल नहीं बनाई। और उससे पहले एनालिसिस मैंने दी थी सर मंडे को, तो आपने देखी होगी मंडे की एनालिसिस, तो मंडे की एनालिसिस आपकी वर्क भी करी होगी, प्रॉफिट भी आपने कमाया होगा।
तो अभी बैंक निफ्टी में क्या है कि वन डे का चार्ट खुला हुआ है और बैंक निफ्टी ये जो ग्रीन ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी है इसी को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। आज भी उसने किया एग्जैक्टली 41,617 मतलब इसके ऊपर निकलने की कोशिश करी और ये जो है ये मान लीजिए 41,975 अगर आज का अभी 15 मिनट में आ जाते हैं तो ये अब मतलब है तो फेज जो है वो डाउन ट्रेंड है लेकिन मार्केट जो इस चैनल में है वो अप ट्रेंड में है, ठीक है, और उसको दबाने की कोशिश बहुत पूरी तरह से की जा रही है। बाकी अभी छोटे चार्ट में आ जाते हैं तो दोस्तों इसमें बैंक निफ्टी 15 मिनट चार्ट है। 15 मिनट चार्ट में सिंपल स्ट्रेटजी है कि ये आपका जो हाई मैं मार्क कर दे रहा हूँ 41,700 है, 41,720 मान लीजिए, ठीक है, 720-730 अगर इसके ऊपर निकलती है तो फिर हम बैठ सकते हैं और 42,000 तक के टारगेट हो सकते हैं, मतलब 41,980 के आसपास या 42,000 के आसपास के टारगेट हो सकते हैं। और इसका लो तोड़ती है मार्केट 41,300 अगर ब्रेक होता है तो फिर मामला गड़बड़ाएगा, 41,100 के टारगेट होंगे, फिर अगर ये भी टूट जाता है तो हमारे टारगेट 40,700 तक जा सकते हैं। मार्केट में 41,300 टूटेगा तो कमज़ोरी बहुत आएगी, ये आप समझ लीजिए, ठीक है, तो ये एक चीज़ हो सकती है मार्केट में और क्या होगा वो तो रियल मार्केट में ही पता चलेगा, तो आप समझते होंगे, ठीक है, कहना और यहाँ बात कर लेना सारी चीज़ें ईजी हैं लेकिन मार्केट में कैसे वर्क करना ये लाइव मार्केट ही डिसाइड करती है। बाकी हम प्लान बना के रखते हैं कि 41,700 निकलेगा तो वहाँ पे होगा, हमें ऑप्शन चेन देखनी होती है कि ऑप्शन चेन में क्या चल रहा है। अगर ऑप्शन चेन जो है आपकी मतलब शॉर्ट बता रही है, शॉर्ट करने को बता रही है तो शॉर्ट करना पड़ता है और लॉन्ग बता रही है तो लॉन्ग करना पड़ता है, दो 300 पॉइंट के आसपास मिल रहे हैं, बहुत है ये बैंक निफ्टी में, इतने ज़्यादा का ट्रेड आप सोच के मत रखिए, हो जाता है तो बात अलग है, अगर कोई ट्रेंडिंग मार्केट है हम ट्रेड करके चलते हैं लेकर चलते हैं तो मार्केट उठती चली जाती है, हमारे लो को ब्रेक नहीं करती है तो ट्रेंडिंग मार्केट है उसमें बैठ सकते हैं, लेकिन अगर जैसे ही कोई लो को ब्रेक करेगी तो हमको बाहर निकलना होता है। देखिए जैसे ही मार्केट ने इस रेड कैंडल के लो को ब्रेक किया आपको यहां से एग्जिट पॉइंट था, आपको मेन चीज़ ये है कि इसमें आपको एग्जिट पॉइंट समझने बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि आप रेड कैंडल बनी और इसका लो ब्रेक हुआ आपको ये समझ लेना है कि मुझको निकलना है मार्केट से, ठीक है, मार्केट हो सकता है ऊपर चली जाए लेकिन आपको निकलना है, कहाँ निकलना है कहाँ नहीं निकलना है ऑप्शन बाय के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है, इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है। आप प्रॉफिट तभी कमा सकते हैं जब आपको निकलना मालूम पड़े कि कहाँ निकलना है और कहाँ एंट्री लेना है, आपकी एंट्री इस कैंडल अगर आपकी एंट्री बनती है तो इस कैंडल की जब ब्रेक हुआ तो इस कैंडल में आपकी एंट्री बनती है, ठीक है, और इस कैंडल तक रेड कैंडल तक जाती है, रेड कैंडल के लो तक जाती है, वहाँ तक आपका प्रॉफिट बुक हो जाता है, जो भी प्रॉफिट मिलेगा एक दो ट्रेड लेते हैं आप, एक दो ट्रेड में अगर आपका प्रॉफिट बन जाता है मतलब आपका 10% भी प्रॉफिट बन जाता है तो आप बहुत है, उससे ज़्यादा का आप सोचिए ही नहीं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी नहीं लेके बैठनी होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेके तब बैठनी होती है जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है, ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट में हम बहुत क्वांटिटी लेके बैठ सकते हैं, जिस मार्केट में रिस्क हो कोई लेवल नहीं निकल के आ रहे हो तो उस मार्केट में आप जल्दी नहीं बैठ सकते, ठीक है, सॉरी वो तो मैंने पहले का बता दिया शायद, तो ये आपका यहाँ से टूटा यहाँ से आपका बनता है लॉन्ग मतलब शॉर्ट बनता है लेकिन शॉर्ट बहुत ज़्यादा बना नहीं, तो इस वाले पॉइंट से आपको सपोर्ट मिलता है, ये जो कैंडल आपको दिख रही होगी यहाँ पर ये कैंडल, इस कैंडल पे एक सपोर्ट था, इस तरीके की कैंडल पे सपोर्ट मिलते हैं, अब नेक्स्ट सपोर्ट आपको इस कैंडल में मिलेगा, ठीक है, एग्जैक्ट 40,908, ठीक है, तो अगर मार्केट ये टूटे 40,908 तक हो सकते हैं मार्केट के, 41,300 टूटा 40,900 देखेंगे, ये बात क्लियर एकदम दिमाग में डालिए, हाँ लेकिन हमें जो ट्रेड करना है वो ट्रेड प्राइस एक्शन के हिसाब से करना है, ऐसा नहीं कि हमने कह दिया और आप बैठे हो 40,900 के लिए, 40,900 नहीं आया तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो 2-4% 10% 20% चांस होते हैं नहीं के अगेंस्ट के, हमारे ट्रेड जो अगेंस्ट होते हैं उसके अगेंस्ट के तो वो भी आते हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है, तो उस चीज़ को भी हम मतलब हमें रेडी रहना है और
ये स्कैल्पिंग मार्केट है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे स्कैल्पर ही सर्वाइव कर सकते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट है नहीं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नहीं। और देखो दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट ही कमाना है तो मेरे पास ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हैं। जिनको केवल प्रॉफिट करना है तो वो मुझे क्लियर कर दें, कमेंट में बता दें, ठीक है, और मैं उनको कुछ लिंक्स दे दूँगा, उस लिंक से वो अपना अकाउंट खोल ले, कहाँ ट्रेड करना है मैं उनको क्लियर कर दूंगा, ठीक है, उसी हिसाब से वो ट्रेड करें। मैं दिन का ट्रेड, दिन के 2-3 ट्रेड उनको दे दूंगा, वो ट्रेड कर लेंगे और इजीली 1,000, 1,500, 2,000 तक आराम से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें, आराम से बनाएंगे। मैं बता रहा हूँ 2,000 तक का प्रॉफिट आप आराम से कर सकते हैं। मिनिमम कैपिटल आपकी बहुत ज़्यादा 8-10 हज़ार रुपये मान लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं लगनी है, ठीक है। तो अगर आप प्रॉफिट ही कमाना है, लेकिन ट्रेडिंग ही करना है, प्रॉफिट ही कमाना है तो बात अलग, और ट्रेडिंग को नशा बना के करना है तो फिर नशे वाले लोगों का मेरा कोई साथ नहीं है, वो फिर अपना जानते हैं, उनका लॉस ही होना है, ठीक है। तो आपको अगर ट्रेड करना है, प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट कमाने के लिए मैं स्ट्रैटजी बता दूंगा, कमेंट में आप बताइएगा, जिन जिनको चाहिए होगा मैं उनको डायरेक्ट मतलब मैसेज उनको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कमेंट में आप बताइए कि मैं डायरेक्ट बात कर लूँगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है, और जो कमाना चाहते हैं, इच्छुक हैं, वो डेली का मैं उनको क्लियर बता सकता हूँ। बाकी मैं ज़्यादा जो है उन लोगों के लिए कुछ नहीं करना चाहता जो नशे के बेस पे काम करते हैं, तो उनके लिए तो कुछ कोई कर ही नहीं सकता, वो ना अपने लिए कर सकते हैं, ना वो किसी और के लिए कर सकते हैं, ना कोई उनके लिए कर सकता है। तो इस बात को दिमाग में बैठा लिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको।